अस्सलाम वालेकुम बीफॉर यू एसआरजी फैमिली, कैसे हैं? आज सैटरडे मॉर्निंग में आपसे मुखातिब हूं। आपको पता है कि कल से एक अनलिमिटेड कॉल्स और व्हाट्सएप कॉल्स और फोन कॉल्स का सिलसिला जारी है, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत जिस तरीके से आप लोगों अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग रब्ता कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे परेशानी के दिन बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है और ये वादा वफा होगा कि हर शख्स को उसकी एक एक पाई वापस मिलेगी। अच्छा, कल से तकरीबन मुझे कोई 300-400 ग्रुप्स में ऐड किया गया है, लेकिन उस ग्रुप में एडमिन के सिवा कोई बंदा मैसेज नहीं कर सकता। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप ग्रुप में एडमिन के अलावा किसी को अलाउ नहीं करेंगे, अगर आप ग्रुप में किसी को बात करने का मौका नहीं देंगे, आप तक जब मसला पहुंचेगा नहीं तो उसका हल कैसे होगा? तो अपने आप को, अपने दिलों को, अपने आप को अपनी टीमों के सामने पेश करें। जो उनके क्वेश्चन हैं, जो उनके मसाइल हैं, उन पर बात करें, क्योंकि मसाइल से फरार, टीमों से फरार, छुपकर बैठने से या पस मंजर में चले जाने से मसाइल हल नहीं होते। हमेशा मसाइल फेस करने से हल होते हैं, बात करने से हल होते हैं, और आखिर में हर बात का सलूशन टेबल टॉक होता है। बात करने से ही मसाइल हल होते हैं। दुनिया भर के जितने भी मसले मसाइल हैं या फैमिली के मसले मसाइल हैं, एक दूसरे से मुंह छुपा लेने से या एक दूसरे से बात ना करने से या एक दूसरे की कॉल अटेंड ना करने से या एक दूसरे से छुपने से अगर मसले मसाइल हल होते तो सारी दुनिया ऐसे करती। अपने आप को पेश करें लोगों के सामने। जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो मैनेजमेंट से गलतियां हुई हैं, उनका अजाला करें, और उनका अजाला करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को बात करने दें। जब आप लोगों को बात नहीं करने देंगे, कोई बंदा आपके खिलाफ बात करता है, आप उसको ग्रुप से निकाल के बाहर फेंक देंगे। ऐसे ग्रुप बनाने का क्या फायदा है अगर आप उनको अलाउ भी नहीं करते अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपनी मुसीबत को आपके साथ शेयर कर सकें? तो इस तरह ना करें। खुदा रहा, मेरा नंबर 03073555555 है, और मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, और इंशाल्लाह हम जल्द मुलाकात भी करेंगे, और जो आपकी परेशानी है उन मसाइल के हवाले से मैं इंशाल्लाह मेरी लीगल टीम से मंडे को मुलाकात होनी है, और उसके बाद आपको आगे का हम लाए अमल देंगे कि हमने किस तरीके से आप लोगों की जो अमानतें हैं किस तरीके से वापस करनी है। तो इंशाल्लाह वेट करें, बहुत जल्द आपको हर चीज़ का तरीकेकार बताया जाएगा। और